कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। महामारी का रूप धारण कर चुके कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। दुनिया के कई देशों में फैले कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो यहां महज एक दिन में 1,480 लोगों की मौत हुई है, जबकि इटली में मरने वालों का आंकड़ा 15,362 हो चुका है। ऐसे में 2,46,198 लोग इलाज के बाद कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना महामारी से देश में संकट बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कुल 3,300 के पार पहुंच चुका है और इसके साथ ही अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीआरपीएफ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। दरअसल सीआरपीएफ के सीएमओ के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है और इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गंगाराम अस्पताल के 100 स्वास्थ्यकर्मियों को भी एहतियात के तौर पर क्वारंटीन किया गया है। उधर देश में कोरोना महामारी के अंधकार को मिटाने के लिए आज पूरा देश दीप जलाएगा। पीएम मोदी की अपील पर संक्रमण से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाने की मुहिम के तहत ये दीप जलाए जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 59 नए मामले भी सामने आए हैं। क्या अपडेट फिलहाल है, क्या तैयारियां की जा रही? जी बिल्कुल, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसी को लेके तमाम स्टेप उठाए जा रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की, केंद्र के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने इसके साथ में डीआरडीओ को ये काम दिया है कि जल्द से जल्द जो पर्सनल किट है, प्रोटेक्शन किट है डॉक्टर्स के लिए, उनको जल्द से जल्द बनाया जाए। डीआरडीओ ज्यादा से ज्यादा किट्स बनाने में जुटा हुआ है ताकि डॉक्टर्स पहले या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं या नर्सिंग स्टाफ है जो कि कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में आ रहे हैं या फिर जिनको भी उनकी जरूरत है, देश में किसी तरीके की इन किट्स की कमी न रहे। वहीं जो टेस्टिंग किट्स है उसको लेके भी निजी लैब को अब लगातार बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हर दिन टेस्ट किए जाते। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जो लगातार ब्रीफिंग की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा था कि शुरुआती दिनों में 100-100 टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब 200 से 300 और ये आंकड़ा 400 तक पहुंच गया। लगातार जिस तरीके से पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जिस तरीके से जांच की गई उसमें पता चला कि जो टोटल नंबर्स हैं, जो आज जो पेशेंट आए हैं उसमें 525 पेशेंट्स की बढ़ोतरी हुई है। ये कहा जी ज्योति प्रीत किरण, मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए देश में जिन 77 लोगों की मौत हुई है, मैं ये जानना चाहूंगी कि वो लोग बुजुर्ग लोग थे या फिर सभी उम्र के उसमें शामिल थे? देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से मनीषा जो बताया गया है कि ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं उसमें बुजुर्ग लोग शामिल हैं। अब तक 75 लोगों की मौत जो है देश में हो चुकी है, उसमें ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारी थी, हार्ट के पेशेंट थे, शुगर पेशेंट थे, उनकी मौत अधिक हो रही है। बाकी जो यंग पेशेंट्स है उनमें पहले से इम्यूनिटी डेवलप हो जा रही है, वो कोरोना वायरस से लड़ पा रहे हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पर। जी प्रीत किरण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 77 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है।